टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियाँ। हेलो दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और रोमांचक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। नदियाँ हमारी प्रकृति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संसार को सुंदरता के साथ साथ कई वनस्पतियाँ और फायदेमंद चीजें भी प्रदान करती हैं। ये जल के मुख्य स्रोतों में से एक होती हैं। नदियाँ कई प्रकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील या अमेज़न। चलिए इस समस्या को दूर करने के लिए जान लेते हैं दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो नए दर्शक हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 10. अमूर आर्गन एशिया। अमूर नदी एशिया के आर्गन में मौजूद एक प्रसिद्ध नदी है। इस नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अमूर नदी पूर्वी रूस और उत्तर पूर्वी चीन के बॉर्डर पर स्थित एक नदी है। इस नदी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कलुगा है, जो लगभग 18 फीट लंबी होती है। अमूर नदी की लंबाई 2763 मील यानी 4444 किलोमीटर है, जिसकी गहराई लगभग 994 फीट है। अमूर नदी आगे चलकर बुरिया नदी से जाकर जुड़ती है और फिर 350 किलोमीटर तक किसी भी नदी से नहीं मिलती। ये नदी रूस, चीन और मंगोलिया से होकर गुजरती है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। 9. कॉन्गो चाम्बेशी अफ्रीका। अफ्रीका के चाम्बेशी में मौजूद कॉन्गो नदी अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। नील नदी के बाद ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मोबुतु रेजिम में इसे ज़ेर नदी के नाम से जाना जाता है। अमेज़न के बाद आयतन के आधार पर कॉन्गो नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी गहराई लगभग 720 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी गहरी नदी बना देती है। कॉन्गो लुलुआबा चाम्बेशी नदी की कुल लंबाई 4700 किलोमीटर है, जो काफी अधिक है। ये केवल ऐसी मुख्य नदी है जो इक्वेटर को दो बार पार करती है। कॉन्गो घाटी का क्षेत्रफल लगभग 40 लाख किलोमीटर है, जो अफ्रीका के भूस्थल का 13% है, और ये नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में 9वें स्थान पर है। 8. पराना रियो दे ला प्लाता साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में मौजूद इस नदी का जितना विचित्र इसका नाम है, इससे कहीं ज्यादा विचित्र ये नदी है। पराना नदी दक्षिणी अमेरिका के मध्य में मौजूद है। ये नदी ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, जो कि कुल 4880 किलोमीटर लंबी है। ये अमेज़न नदी के बाद दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का नाम त्यूपी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर जैसी। इसकी विशालता के कारण इसे ये नाम दिया गया है, जो काफी प्रसिद्ध है। पराना नदी को पहली बार 1526 में एक वेनेशियन खोजकर्ता सेबेस्टियन कॉबेट द्वारा देखा गया था। ये नदी मछुआरों की आमदनी का जरिया है और साउथ अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक भी है। 7. ओब रिवर। ओब नदी रूस के साइबेरिया में मौजूद है, जो पश्चिमी रूस की मुख्य नदियों में से एक है। ये बिया और कालून नदी से जाकर मिलती है, जो अटले पहाड़ से निकलती है। ये साइबेरिया की महान नदियों में पश्चिमी नदी है। ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 5410 किलोमीटर है। ओब नदी रूस, कजाकिस्तान, चीन और मंगोलिया से होकर गुजरती है। इस नदी की घाटी का क्षेत्रफल 29,90,000 वर्ग किलोमीटर है, जिससे आप इस नदी की विशालता का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। ओब नदी एक लाभकारी नदी है और ये कई चीजों में काम आती है। इस नदी में रेडियो एक्टिव कचरों से भरा पानी मिल गया है, जो कि झीलों में फेंका गया था, जिसने इस नदी की सुंदरता को दूषित कर दिया है। 6. येलो रिवर चाइना। क्या आपने कभी पीली नदी के बारे में सुना है? चीन में मौजूद ये पीली नदी, जिसके पानी का रंग पीला ही है, इसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ये चीन की यांगत्से नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। येलो रिवर की लंबाई 5464 किलोमीटर या 3995 मील है। ये चीनी सभ्यता की जन्मदाता है, इसलिए ये चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। पानी में भारी मात्रा में मिट्टी के कण होने के कारण इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है। येलो नदी चीन की आर्थिक नदी भी है, क्योंकि इससे ढेर सारी बिजली उत्पन्न की जाती है, जो चीन के लोग और चीन अपने कार्यों में खर्च करती है। ये नदी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विचित्र नदियों में से एक भी है। 5. येनिसे सेलेंज एशिया। आर्कटिक महासागर की ओर जाने वाली सबसे बड़ी नदी है येनिसे नदी। ये आर्कटिक महासागर में बहने वाली 3 नदियों की मुख्य है। ये कारा सागर के अंत तक बहने वाली नदी है। इसकी अधिकतम गहराई 90 फीट तक है और इसकी कुल लंबाई 5539 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में शामिल करती है। इस नदी में कई प्रकार की वनस्पतियां और जीवन जनजाति मौजूद है। फिलहाल ये जिस क्षेत्र में मौजूद है, वहां जीवित रह पाना बेहद मुश्किल है।
ये नीसी नदी दुनिया की एक बेहद खूबसूरत नदी है, लेकिन इंसानों द्वारा लगातार फेंके जा रहे रेडियो एक्टिव कचरे की वजह से ये नदी प्रदूषित होती जा रही है। हम सभी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर प्रकृति संबंधी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। 4. मिसिसिपी रिवर, जेफरसन, नॉर्थ अमेरिका। मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की मुख्य और दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 6,275 किलोमीटर है। मिसिसिपी नदी घने जंगलों और मैदानों से होकर गुजरती है। ये मुक्ति के आधार पर दुनिया की पांचवी सबसे लंबी नदी है। अमेरिकी लोग इस नदी के पास हजारों सालों में रहते चले आ रहे हैं और अपनी जरूरतों और आमदनी के लिए भी इस पर निर्भर रहे हैं। क्योंकि प्रदूषण ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, इसलिए मिसिसिपी नदी भी दूषित हो चुकी है और इस नदी में केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जानवरों के लिए भी हानिकारक है। ये नदी दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 3. यांगत्ज़े रिवर, चाइना। जैसे कि इस नदी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, यांगत्ज़े नदी चीन की सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। यांगत्ज़े नदी चीन की इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धार्मिक क्षेत्र में भी इस नदी को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आयतन की मुक्ति के आधार पर पृथ्वी की छठी सबसे बड़ी नदी है। चीन के लोग यांगत्ज़े नदी का प्रयोग युद्ध, यात्रा और सफाई के लिए करते हैं। इस नदी की लंबाई 6,300 किलोमीटर या 3,917 मील है, जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। ये चीन के तीन मुख्य नदियों के समूह का एक मुख्य हिस्सा है। यांगत्ज़े नदी वैसे तो स्वच्छ है, लेकिन कुछ वर्षों से ये दूषित होती जा रही है। 2. अमेज़न रिवर, साउथ अमेरिका। दुनिया की सबसे मुख्य, विशेष और प्रसिद्ध नदियों में से एक है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है। ये नदी कई तरह के जीवों की जन्मदाता है। अमेज़न नदी जंगलों के बीच से होकर एक विचित्र रास्ते से गुजरती है। अमेज़न नदी की लंबाई 6,400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी को ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, लेकिन सभी ये नहीं जानते कि यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है भी या नहीं। इस नदी के आसपास के जंगलों में मौजूद आदिवासी इस नदी से निकली सभ्यता है। इस नदी की चौड़ाई बहुत अधिक है, जिसके कारण इसके ऊपर कोई भी पुल मौजूद नहीं है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। 1. नाइल रिवर, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। नील नदी अफ्रीका के उत्तर में बहने वाली एक विशाल नदी है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है और ये बाकी सभी नदियों से अधिक है, इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के साधन तांजानिया, युगांडा, बुरुंडी, रिपब्लिक कांगो, कीनिया और अन्य कई देशों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। क्या आपको पता है नील नदी दो प्रकार की है, सफेद नील नदी और नीली नील नदी। ये इजिप्ट और सूडान के जीवन के लिए एक प्राइमरी वाटर रिसोर्स है। ये नदी कई प्रकार के वनस्पतियों और जीवन की जन्मदाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप किस नदी को सबसे लंबा मानते थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रोचक और मजेदार वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों से शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी के साथ ऐसे ही रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियोस देखते रहने के लिए। धन्यवाद।